हेलो, गुड आफ्टरनून दोस्तों। स्वागत है आप सभी का वाईफाई स्टडी बैंक एग्जाम चैनल पे, और मैं आपका मैथ्स गुरु यानी कि प्रबल सर एक बार फिर से हाजिर हो चुका हूँ आज के धमाकेदार सेशन के लिए। तो भाई, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, आज हमारा स्पीड एंड एक्यूरेसी टेस्ट है और आज रक्षाबंधन भी है। तो सबसे पहले तो रक्षाबंधन की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। ऐसे ही अच्छे से पढ़ते रहिए और अपनी बहन का आशीर्वाद लीजिए। और सबसे बड़ी चीज़, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, सिर्फ रक्षाबंधन को इंजॉय नहीं करना है, एक संकल्प आज लेना है। एक संकल्प मेरे साथ मिलके लीजिए कि चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, हर महिला की इज्जत करनी है। ठीक, बस इतनी सी चीज़, बस और कुछ नहीं। रिस्पेक्ट देनी है, इज्जत करनी है, सिर्फ ये चीज़ का संकल्प लीजिए और देखना दुनिया में सारी चीज़ें अपने आप बेहतर होने लग जाएंगी। अगर हम थोड़े से, हम लोग ही अगर अच्छे हो जाए ना, तो धीरे धीरे सारी चीज़ें अच्छी हो जाएंगी, सब कुछ बेहतर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमारा बेहतर होना ज़रूरी है, तभी हम दूसरों को बेहतर कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो मैं बता देता हूँ आपको, जो SSC की टाइमिंग है वो 1 बजे अपनी वीकेंड पर रहती है, और अगर मैं बात करता हूँ नॉर्मल डेज़ में वो 10 बजे अपनी क्लासेज रहती है। ठीक है, सैटरडे संडे को जो अपनी क्लासेज का टाइमिंग है अनअकैडमी की, वो 7:30 बजे है, और नॉर्मल डेज़ में जो अपनी क्लास का टाइमिंग है वो रात को 9 बजे है। रात को 9 बजे अनअकैडमी की बैंकिंग की, स्पेशल बैंकिंग की क्लासेज लगती हैं, जो कि अनअकैडमी पे आपकी कंडक्ट होती हैं, जिसमें मैं डेली क्लास ले रहा हूँ विदाउट इवन अ सिंगल डे गैप, एक भी दिन का गैप नहीं। तो आज ही आप लोग उस क्लासेस को ज्वाइन करना शुरू करिए 9 बजे रात में। आपको क्लासेस की जो लिंक है वो मिलेगी मैथ्स बाय प्रबल सर नाम से, टेलीग्राम चैनल है, इस पर ज्वाइन कर सकते हो आप। जैसे ही आप सर्च करोगे मोर देन 13,000 स्टूडेंट दिखेंगे आपको, उसी चैनल को आपको ज्वाइन करना है, कोई और चैनल ज्वाइन मत करना, क्योंकि कुछ लोगों ने फेक चैनल बना रखे हैं तो वो ज्वाइन मत करेगा। चलिए सेशन को जल्दी से लाइक और शेयर करेंगे जितने लोग भी जुड़े हुए हैं। अगर आपने अभी तक सेशन को लाइक और शेयर नहीं कराए तो जल्दी से सेशन को लाइक और शेयर कर दीजिए, तुरंत इमीडिएट बेसिस पे। लाइक और शेयर करने में कंजूसी बिल्कुल नहीं करेंगे, तुरंत लाइक और शेयर करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आज के सेशन का ये रहा आपके सामने, 25 सेकंड का टाइमर शुरू होता है अब। कम ऑन, निकालिए। नंबर सीरीज का क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, एक बार सॉल्व करिए, दिमाग लगाइए क्या क्वेश्चन का आंसर आ सकता है, कैसे हो सकता है, क्या लॉजिक इसमें फिट हो जाएगा, सारी चीजें आपके लिए देखना है। चलिए क्वेश्चन देखें, देखते हैं क्या क्वेश्चन में ऐसा लॉजिक लग रहा है या किस टाइप का नंबर सीरीज ये टूटने वाली है। 4 से 10 दिया हुआ है, एक तो 4 to the 8 + 2 = 10 ये तोड़ सकते हैं। 10 का 3 टाइम्स करेंगे प्लस 3 करेंगे 33, 33 का 4 टाइम्स करेंगे प्लस 4 करेंगे 136, 33 × 4 होता है 132 और प्लस 4 136 सेम। अगर मैं 136 को 5 टाइम्स करूँगा, 5 करूँगा 685, ये आ गया आपके क्वेश्चन का आंसर। क्लियर हुआ? (2+2) (3+3) (4+4) (5+5) जैसे ही आपने (5+5) करा 685, बिल्कुल करेक्ट है। जितने लोगों ने आंसर 685 दिया था, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। जल्दी से सेशन को लाइक ज़रूर करते जाना बच्चे, सेशन को अगर आपने लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए तुरंत इमीडिएट बेसिस पे। और ये आपकी ड्यूटी बनती है कि सेशन को शेयर ज़रूर करें। आप अगर सेशन को देख लेते हैं, इस सेशन की रीच आपके हाथ में, आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें कि सर ने रक्षाबंधन वाले दिन भी ये लेक्चर हमारे लिए शूट किया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन, 25 सेकंड। चलो, क्या लॉजिक लग रहा होगा, मतलब थोड़ा सा सोचो। 19 से सीधे 9 लिखा हुआ है, 9 से सीधे 4 लिखा हुआ है, 4 से सीधे 2, 2 से 1, तो कुछ थोड़ा सा दिमाग में अगर आ रहा हो, 19 से 9 लिखा हुआ है तो अप्रोक्सीमेट 2 का डिवाइड करा, 9 से 4 लिखा हुआ है अप्रोक्सीमेट 2 का डिवाइड करा, 2 लिखा हुआ है 2 के बाद 1 लिखा है तो अप्रोक्सीमेट 2 का डिवाइड, मतलब कहीं ना कहीं 2 के डिवाइड का तो लॉजिक है,
1944 में 2 का डिवाइड करेंगे, देख लेते हैं कितना आता है। 2 9 18, 2 7 और ये 2, और अगर मैं इसमें से 4 माइनस कर देता हूँ तो 968 आएगा, ये आ रहा है। ठीक है, 968 में फिर मैं 2 का डिवाइड करता हूँ तो 2 4 2 8, ये आ गया 484। माइनस 4 कर दूंगा तो 480 आ रहा है। मतलब बेसिकली लॉजिक मेरे हाथ में आ चुका है बच्चे। लॉजिक क्या चल रहा है, डिवाइड बाई 2 माइनस 4, डिवाइड बाई 2 माइनस 4। सेम 114 में अगर ये लॉजिक अप्लाई करें तो डिवाइड बाई 2 करेंगे 57 आएगा, 2 5 2 7, और 57 में से 4 को माइनस करेंगे तो 53। आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए आएगा। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। समझ में आया, 1944 था, आगे के दो डिजिट देखे, 19 से 9 लिखा है, 9 से 4 लिखा है, 4 से 2, 2 से 1, मतलब कहीं ना कहीं डिवाइड बाई 2 का तो लॉजिक है। अब डिवाइड बाई 2 का लॉजिक है, इसके बाद क्या लॉजिक है वो समझ में आएगा जब डिवाइड करेंगे 2 से। 2 से डिवाइड करा 972, आपको 968 पे जाना है माइनस 4। 968 में 2 का डिवाइड करा 484, माइनस 4 करना है 480। सेम अपना आखिरी वाले पे देखा, 114 का 2 से भाग देंगे 57, और डिवाइड माइनस 4 करा दो 53। तो 53 आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका ये रहा, एक बार क्वेश्चन को पढ़िए और देखिए क्या आंसर होना चाहिए। चलिए 35 से 49 14 बढ़ गया, 49 से 63 14 बढ़ गया, यहाँ पे भी 14 इंक्रीज हो गया, यहाँ पे भी 14 इंक्रीज हो गया, तो यहाँ पे 91 में अगर 14 इंक्रीज करेंगे तो आंसर आएगा 105, मतलब आपके क्वेश्चन का आंसर आएगा 105। तो 105 विल बी योर करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप क्वेश्चन क्लियर हो चुका होगा, ईजी था। अगला क्वेश्चन, 25 सेकेंड, कम ऑन। चलिए टाइमर खत्म, क्वेश्चन देखते हैं। बहुत प्यारा लॉजिक है, देखिए 88 से 165 जाना है, ऐड करना पड़ेगा 77, यहाँ पे जाना है 55, यहाँ पे जाना है 33 और 220 253, 55 ऐड करेंगे 165 में तो आपका आंसर आएगा कितना, 220। ठीक है, 7 5 3, अगला क्या होना चाहिए, 2 या 1। 7 में से 2 गए, 5 5 में से 2 गए, 3 3 में से 2 गया 1, मतलब अगला वाला होना चाहिए था क्या आपका, 11। अगला वाला क्या होना चाहिए, 11, तो 253 में अगर 11 ऐड करेंगे तो 264। आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। तो जितने लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर सी है, वेरी गुड, ऑप्शन नंबर सी विल बी योर करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। 77 55 33 11, मतलब बेसिकली जो गैपिंग चल रही है वो 2 2 की गैप है, 7 5 3 1, 2 2 का गैप चल रहा है। ठीक है, अगला वाला क्वेश्चन बताइए। चलिए देखिए एक बार क्वेश्चन में क्या कर सकते हैं, इजी क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे क्वेश्चन में, तुरंत आंसर आएगा, तुरंत इमीडिएट बेसिस पे अपने क्वेश्चन का आंसर दिखेगा। चलिए यहाँ पे अगर मैं देखता हूँ तो यहाँ पे गैपिंग कितने की है, 25 की, यहाँ पे गैपिंग देखता हूँ 16 की गैप है, यहाँ पे गैपिंग देखूंगा 9 की गैप है,
यहाँ पे चार की गैप है, लेकिन 85 से 110 प्लस हुआ, 110 से 94 माइनस हुआ, फिर प्लस हुआ, फिर माइनस हुआ, तो अगले बार क्या होना चाहिए था। लेकिन उससे पहले सीरीज को समझे, 5 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर होना चाहिए था और प्लस आएगा क्योंकि प्लस माइनस तो अगला प्लस, और 99 में अगर प्लस 1 करेंगे तो 100 आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जितने लोग 100 पे जा रहे हैं उनका आंसर करेक्ट है, 100 विल बी योर करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्लियर है सभी को? आई होप क्वेश्चन क्लियर होगा, क्वेश्चन समझ में आ चुका होगा। तो ये थे अपने सीरीज के क्वेश्चन, चलते हैं सिंप्लीफिकेशन के पार्ट पे। पहला क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन का ये रहा आपके सामने, 25 सेकंड चालू होते हैं। चलिए 125 दिया है डिवाइडेड बाय 0.5 और फिर डिवाइड लगा हुआ है, मतलब क्या करना पड़ेगा, 1/0.5 इक्वल टू 80% का मतलब है 8/10 इंटू एक्स। यहाँ तक क्लियर? ठीक है, पॉइंट को हटा देंगे, 100 लगा दिया, 5 5 25 25 4, तो यहाँ पे आ जाएगा 500 और ये 10 मल्टीप्लाई हो जाएगा और अपॉन में 8 आ जाएगा एक्स, तो भाई x की वैल्यू आएगी 5000/8 यानी कि 625। क्लियर? क्वेश्चन का आंसर कितना आ चुका है, 625। 625 विल बी योर करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बेहतरीन। चलिए अगला क्वेश्चन। निकालिए एक बार, इजी क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है, क्वेश्चन इजी हो जाएगा। 23 का 8 टाइम्स, 8 3 जा 24, 8 16 184, माइनस 65 प्लस 67, 13 5 जा 65 प्लस 67 इक्वल टू एक्स इंटू 6, 67 में से 65 को माइनस करेंगे 2 आएगा और 184 में अगर 2 ऐड करेंगे और एक्स इंटू 6, तो x की वैल्यू आएगी 186/6, 6 3 18, 6 1 मतलब आपके क्वेश्चन का आंसर आएगा 31। क्लियर हुआ? तो क्वेश्चन का आंसर सीधे सीधे आपको कितना मिल चुका है यहाँ पे, 6 3 18, 6 1 तो 31 विल बी योर करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, 25 सेकेंड। चलिए कितना आंसर आया, आई होप क्वेश्चन आ चुका होगा क्योंकि क्वेश्चन इजी है, कुछ नहीं है। 264 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 576, मतलब 24 प्लस 11 का स्क्वायर 121 प्लस 12, तो ये आ जाएगा। ठीक है, 24 वन्जा यही आएगा। अब 11 121 और 12 ऐड करेंगे 144 इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो x की वैल्यू आएगी अंडर रूट ऑफ 144 यानी कि 12, तो मतलब आपका आंसर आया 12, तो 12 बिल्कुल करेक्ट आंसर है क्वेश्चन के लिए। क्लियर हो गया सभी को? बताओ जल्दी, क्लियर है? इजी था, डिवाइड करा और डिवाइड करते ही आपके क्वेश्चन का आंसर आ चुका है 12। अगला क्वेश्चन, Mm-hmm.
करिए जल्दी से क्वेश्चन का आंसर बताइए तुरंत कमेंट सेक्शन में, कमेंट सेक्शन में जल्दी से आंसर आना चाहिए सभी लोगों का। 64% मतलब 64/100 ऑफ लिखा है मतलब इनटू एक्स डिवाइड बाय 14 इक्वल टू 176 यही दिया हुआ है। 8 से ये कटेगा 22 ठीक है। 4 2 ज़ा ये 11 2 ज़ा तो 4 से ये कट गया 25। एक्स की वैल्यू आ गई 25 × 14 × 11 यानी कि 275 × 14 मल्टीप्लाई करोगे 3850 विल बी योर करेक्ट आंसर यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। क्लियर जल्दी बताओ क्वेश्चन में कुछ नहीं करना सिर्फ आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलना है विद इन 15 सेकंड क्वेश्चन का आंसर 10 to 15 सेकंड बस आपको सही भूमिका तैयार करनी है सही ऑपरेशन अप्लाई करने और ऐसे ही सही ऑपरेशन अप्लाई होते हैं क्वेश्चन जल्दी हो जाता है। अगला क्वेश्चन 25 सेकंड कम ऑन इस क्वेश्चन का आंसर कम ऑन देखिए 4096 है जिसको हम लिख सकते हैं 16 का क्यूब। ये 16 का क्यूब ऑलरेडी लिखा है तो मल्टीप्लाई लगाए बीच में पावर ऐड हो जाएगी 16 की पावर 6 ठीक है। डिवाइडेड बाय लगा हुआ है तो डिवाइड का मतलब होता है पावर माइनस हो गई और ये 16 की पावर 1 है। बात को समझना 4096 को लिख सकते हैं 16 की पावर 3 इंटू 16 की पावर 3 मतलब 16 की पावर 6 - 1 इक्वल टू ये 4 लिखा हुआ है और क्वेश्चन मार्क में प्लस इनटू में लिखा हुआ है 4 की पावर 3 4 4 16 16 4 64 4 की पावर 3 हो गया। अगर मैं इसको लिखता हूँ 16 की पावर 5 इक्वल टू 4 की पावर x + 3 बात को समझना 16 को अगर 4 के टर्म्स में लिखना है 4 की पावर 2 की पावर 5 इक्वल टू 4 की पावर x + 3 तो ये अपना पार्ट कितना हो जाएगा अगर इसकी बात करें तो 5 2 ज़ा 10 तो 4 की पावर 10 इक्वल टू 4 की पावर x + 3 x + 3 की वैल्यू 10 हो जाएगी तो x की वैल्यू आ जाएगी 7 मतलब आपके क्वेश्चन का आंसर आएगा 7 विल बी योर करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप दिस इज क्लियर। 16 की पावर 3 16 की पावर 3 3 और 3 6 6 में से 1 गया 5 अब 4 की घात में लिखना था 4 की घात 2 5 2 10 और 10 बराबर है x + 3 के तो x की वैल्यू 7। अगला क्वेश्चन 25 सेकंड कम ऑन आंसर बताइए। ये वाला निकालिए (345 + √x) इक्वल टू 19 का स्क्वायर 361 है इसको काटेंगे 8 से 3 टाइम्स ये 3 से जाएगा 9 टाइम्स तो 361 और 9 361 में अगर 9 जोड़ेंगे तो 370 आएगा और 370 में से 345 को माइनस करेंगे तो 25 आया और 25 इक्वल टू √x है तो x की वैल्यू आएगी 25 का स्क्वायर यानी कि 625 आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए आएगा तुरंत हो जाएगा 361 और 9 हो गया 370 370 में से 345 को माइनस करेंगे 25 और 25 का वर्ग हो जाएगा 625 मतलब आपके क्वेश्चन का आंसर 625 है। जितने लोगों का करेक्ट आंसर है बहुत बढ़िया सभी को क्लियर है जल्दी बताओ क्वेश्चन क्लियर हुआ ना आंसर 625। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा 25 सेकंड के अंदर तुरंत क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या आएगा बताइए। देखो 150% मैंने कई बार इसकी वैल्यू लिखवाई है 150% होता है 3/2 गुना
460 का, तो ये हो जाएगा कितना, 230, 230 का 3 गुना हो जाएगा 690, ये आ गया। ठीक है, 24% निकाल लेते हैं, 24/100 गुणा 650, ये कैंसिल हो गया, 2 5 13 5 2 से कट गया 12, और 12 का 13 गुना होगा 156, 156 ऐड कर देते हैं इसमें, तो ये 6 आ जाएगा, 9 5 14, ये आ गया 846। तो जितने लोग 846 पे जा रहे हैं उनका आंसर करेक्ट है, वेरी गुड, 846 विल बी योर करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्लियर है, जल्दी बताओ अगर क्वेश्चन क्लियर है, जल्दी से एक बार सेशन को लाइक कर दो यार। देखो सेशन को अगर अभी तक आपने लाइक नहीं करा है तो सेशन को लाइक जरूर कर दीजिएगा, जितने लोग जुड़े हुए हैं प्लीज सेशन को लाइक जरूर कर दीजिए। अगला क्वेश्चन, 25 सेकंड आपके चालू होते हैं अब, कम ऑन। जल्दी आंसर बताइए क्या आएगा। चलिए देखें क्वेश्चन, इजी है, थोड़ा सा दिमाग लगाना था। 4 डिवाइडेड लगाए, मैंने बताया हर बार डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज कर दो, तो डिवाइड को जैसे ही मल्टीप्लाई में चेंज करोगे ये हो जाएगा 2/11 × 176, 11 से कटेगा 1 और ये 6, 16 × 2 = 32, 32 × 4 ये हो जाएगा, समझ में आ रहा है, तो ये आएगा 128 + 64x = 256। 128 को वहाँ शिफ्ट करेंगे तो 256 में से अगर 128 को माइनस करेंगे तो 128 आएगा और बराबर रहेगा 64 × x, ये कट गया 2 times, मतलब x की वैल्यू 2 आएगी, तो जितने लोगों का आंसर 2 आ रहा है बिल्कुल करेक्ट है, 2 विल बी योर करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, ये वाला क्वेश्चन आपका होमवर्क का है, इसको होमवर्क में करना है और कमेंट सेक्शन में आपको आंसर देना है कि आपके क्वेश्चन का आंसर क्या आया, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और टेलीग्राम पे आंसर करिएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, और एक छोटी सी चीज़ मैं बोलना चाहूँगा भाई, कुछ नहीं करना, एक बार सेशन को शेयर ज़रूर कर देना, आप ही के लिए इतनी मेहनत करके मैं रात रात भर जाग के आपके लिए ये कर रहा हूँ, जिससे आपकी पढ़ाई का नुकसान ना हो, त्यौहार वाले दिन भी आपको कुछ ना कुछ पढ़ने को मिले। ठीक है, रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं, फिर से मैं आपसे बोलना चाहूँगा अच्छे से पढ़िए, और सबसे बड़ी चीज़ है कि कुछ मत करें, कुछ भी नहीं, सिर्फ अपनी बहनों की और दूसरों के बहनों की इज्जत करिए, रिस्पेक्ट दीजिए, बस रिस्पेक्ट बहुत बड़ी चीज़ है, आप रिस्पेक्ट दोगे उनको, बस एक छोटा सा काम आपकी ज़िंदगी में ये होगा कि आपके जो भी रुके हुए काम है ना अपने आप बढ़ने लग जाएंगे, जो भी रुके हुए काम है आपको लगता है कामयाबी नहीं मिल रही है या फिर पेपर में सिलेक्शन है, क्यों रीज़न है, क्योंकि कहीं ना कहीं छोटी छोटी डिसरिस्पेक्ट भी हम अगर किसी की करते हैं तो वो किसी के दिल को बहुत गहरा घाव पहुंचाते हैं, तो इसलिए एक छोटा सा काम करना है, आज संकल्प लेंगे सब लोग मिलके ये चीज़ के लिए कि कभी भी किसी की डिसरिस्पेक्ट नहीं करेंगे, खासकर अपनी महिलाओं, जो अपने चाहे अपनी दोस्त हो चाहे अपनी बहन हो या किसी और की बहन हो। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच, इसी के साथ मैं आपके साथ विदा लेता हूँ, कल फिर मिलेंगे कल के सेशन में धमाकेदार 12 बजे, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू यार।